इच्छा, इच्छा कहाँ जा रही है? वही सच्चाई जानने जो आप मुझसे छुपा रही हैं। इच्छा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो तुम्हारे भले के लिए होगा ना? क्या तुम अपने माता पिता पर इतना भी भरोसा नहीं करती हो? सवाल भरोसे का नहीं है माँ, सवाल मेरे अस्तित्व का है, मेरे वजूद, मेरी पहचान का है। अगर मेरी पहचान के साथ कोई राज जुड़ा है तो उसे जानने का पूरा अधिकार है मुझे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको पिताजी को अचानक हो क्या गया है। माँ, आप तो कभी कुछ नहीं छुपा देती ना मुझसे, और आज ही आज मेरे शरीर में शहर की एक बूंद भी नहीं है। मैं नागिन होकर भी नागिन नहीं हूं। मेरा कोई भविष्य नहीं है। एक मेरे माँ पिताजी हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में मैं क्या करूं, चुपचाप बैठी रहूं? माँ, आप खुद तो मुझे कुछ नहीं बता रही हो, और जब मैं अपनी तरीके से सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको वो भी मंजूर नहीं है। ये तो अन्याय है ना माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बीच में मत आइए। आप जितना मुझे रोकेंगी, सच्चाई जानने की मेरी इज्जत उतनी ही बढ़ेगी, मेरे इरादे और मजबूत होंगे। अच्छा मत कर ऐसा, मत भाग इस राज के पीछे। अगर ये राज खुल गया ना तो तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, और वो तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मुझे नागूमी देव पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है। देखे जाओ, जिद मत कर, तू विशालगढ़ मत जा, तेरे अंदर जहर नहीं है, तू कमजोर हो गई है। और ऐसे में दुश्मन राज्य में जाना, अपनी मौत को न्योता दे रही है तू। जानती हूँ माँ, लेकिन ऐसी जिंदगी भी किस काम की जो मेरी पहचान पर ही सवाल उठा रही हो, जो मुझे मेरे माँ पिताजी से अलग कर रही हो। मुझे अपनी चिंता नहीं है माँ, मेरे साथ जो होना है हो जाए, लेकिन मैं अपने राज तक पहुँच कर ही रहूंगी। और हाँ, जब तक मैं अपनी सच्चाई पूरी तरह से जान नहीं जाती, मैं मरूंगी नहीं। कमाल है, इच्छा यहां पर भी नहीं है, कहां गई होगी? चलो कोई बात नहीं, इच्छा का खाली कमरा भी मेरे बड़े काम आ सकता, एक नजर फेर लेती हूं, क्या पता कब कौन सी चीज हाथ लग जाए। मामूली इच्छा और उसकी मामूली चीजें। एक काम करती हूँ, बुढ़िया को पूछूंगी, उसको तो जरूर पता होगा। We'll be right back.
ये चित्र हमारी माँ के हाथों पर भी हूबहू सही चित्र था, लेकिन ये इच्छा के कमरे में। विश्वप्रीत, तुम अचानक यहाँ? ये इच्छा के कमरे से मिला? ऐसा चित्र तो हमारे माँ के हाथ पे था, लेकिन ये इच्छा के पास कैसे आया? एक राज है, आज मैं तुम तीनों को बता देना चाहती हूँ। कैसा राज माँ? वो इच्छा, वो इच्छा। तुम्हें याद है विश्वप्रीत, अपनी अंतिम फुफकारें लेते वक्त माँ बार बार इच्छा कह रही थी, और हम सोच रहे थे कि वो अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करना चाहती है, लेकिन नहीं, वो नागिस्तान की इच्छा के बारे में कुछ कहना चाहती थी। और ये चित्र हो ना हो, नागिस्तान की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नागिस्तान की इच्छा और विशैलगढ़ की एक जमाने में रह चुकी महारानी, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? जो भी हो, हमें इसका पता लगाना होगा। विश्वप्रीत, लगा लेंगे दीदी, अब तो खुद इच्छा विशैलगढ़ आ रही है। जैसे ही वो आएगी, उससे जुड़े सारे राज खुलते जाएंगे। आओ इच्छा, जल्दी आ जा। पिछली बार तो विशैलगढ़ आकर सही सलामत वापस लौट गई थी तुम, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस बार तुम्हारा विशैलगढ़ में ऐसा स्वागत होगा कि अगले कई जन्मों तक नहीं भूल पाओगी तुम। सन्नाटा, पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब तो कुछ और ही माहौल था, और आज मुख्य द्वार पर एक पहरेदार तक नहीं है। यकीनन ये चाल है, लगता है किसी को मेरे आने की खबर पहले ही मिल गई है, इसीलिए ये चाल बिछाया है। जो भी हो, तुझे अपने राज तक पहुंचना ही है। तेरे शरीर में जहर भले ही ना हो, लेकिन तेरे फन का हौसला अब जहर का काम करेगा। Thank you.
यार इच्छा मेरे सामने से जा रही थी और अचानक ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो गई सो गई, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आई वो? अरे छोटे, ये प्यार व्यार का मामला बड़ा अजीब होता है और ये लड़कियां तो उससे भी ज्यादा अजीब होती हैं। अब बैठ तुझे समझाता हूं। देख भाई, पहले तो ये लड़कियां हमें अपने पास बुलाती हैं, हमसे दोस्ती करती हैं, अपनी मक्खन जैसी बातों से हमारे को बहकाती हैं, हमसे प्यार करवाती हैं, और उसके बाद अचानक गायब, फुर, सैड सॉन्ग गाते रह जाते हैं हम। लेकिन भैया, आपको कैसे पता कि इच्छा गायब हुई है? ये बात कर रहे हैं, इच्छा भी गायब हो गई। इच्छा भी मतलब? अरे आप किसकी बात कर रहे थे? मैं तो अपनी वॉशिंग पाउडर वाली की बात कर रहा था। वॉशिंग? ओ दिव्या। हाँ छोटे, वॉशिंग पाउडर वाली ने पहली नजर में तेरे भाई के दिल को धो दिया। अब तो बस झाग ही झाग निकल रहा है, प्यार वाला झाग। नया प्यार मुबारक हो भैया। थैंक यू। अगर इच्छा जल्दी वापस नहीं आई तो बबल को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चल भाई वाकू, तेरी कुंडली में फिर से राहु का आगमन हो रहा है, तेरा बुरा वक्त शुरू। आओ इच्छा, विशैलगढ़ में तुम्हारा स्वागत। नाना, हम विशैलगढ़ वासी खाली हाथ किसी का स्वागत नहीं करते, बल्कि उपहार भी देते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या उपहार दें। मौत? मौत? ये खंजर देख रही हो? मायावी खंजर है ये खंजर। जब किसी के सीने में उतरता है तो उसे मौत देकर ही बाहर आता है। छल! इच्छा ने हमारे साथ छल किया। वो इच्छा नहीं, इच्छा की छवि थी। वो हमें चकमा देखकर भाग गई। कब तक भागेगी वो? कहां तक भागेगी? विशैलगढ़ में आई है वो, और यहां से बचकर भागना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इच्छा! हे नागोमी देव, धन्यवाद। अच्छा हुआ किसी ने मुझे आते हुए देखा नहीं। कहाँ गई थी? मैंने कहा ना, मैं बाजार में। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसी नहीं थी। बबल जी, मैं अच्छा मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम अचानक रास्ते से कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई? पहले आप बताइए, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्यों मतलब? मुझे लगा तुम उस लॉकेट से जुड़ा कोई सर ढूंढने निकली हो। प्यार करता हूं मैं तुमसे, चिंता होती है तुम्हारी, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। अच्छा अरे तुम मत देखिए मुझे, मत चिंता कीजिए मेरी, मत थोपिए अपने जबरदस्ती वाला प्यार। जबरदस्ती वाला प्यार? तुमने मेरी जबरदस्ती देखी कहां है? अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जबरदस्ती किसे कहते हैं। मतलब क्या करने की सोच रहा है तू? इच्छा देखो तुम्हारा बब्बल क्या कर रहा है। बताओ मुझे तुम कहाँ गई थी, या मेरी तरफ देखो और बताओ तुम अचानक कैसे गायब हो गई। मैं बता चुका हूँ, मतलब मैं बता चुकी हूँ। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। मैं सब बताती हूँ, छोड़िए पहले मेरा हाथ। बताओ। अपना कान आगे कीजिए। किस लिए? ताकि कोई और हमारी बात सुन ना ले। जो मैं आपको कहने जा रही हूँ
वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अच्छा मौका, कान को डस लेता हूँ। आज तक किसने मुझे जितना तंग किया सब हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम इच्छा का प्यार ना होते तो आज मेरा शिकार जरूर होता। इच्छा, इसे हो क्या गया है? इतना बड़ा पुस्तकालय, यहाँ तो लाखों किताबें होंगी। इसमें जो मुझे चाहिए वो ढूंढने में तो सालों लग जाएंगे। विशैलगढ़ की भाग्य विधाता महारानी विशेषरी देव। शायद इसमें महारानी की जीवन गाथा होगी, लेकिन उस चित्र का महारानी के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? हो ना हो, इस किताब में मुझे जरूर कुछ मिलेगा। किताब खुल क्यों नहीं रही? क्या करूं? वाकू, इच्छा किताब मिली तुम्हें? वाकू, किताब तो मुझे मिल गई है, लेकिन वो खुल नहीं रही है। इच्छा, उस किताब को तुम ही खोल सकते हो, क्योंकि तुम दिव्य नक्षत्र में पैदा हुई हो। नागोमी देव का स्मरण करो और उस किताब पर बने चक्र को घुमाओ, वो किताब खुद ब खुद खुल जाएगी। ठीक है वाकू। ये तो वही लोग हैं जिनकी तस्वीरें उस तावीज में थी।